एवरीवन, पास्ट टेंस आज हम जानेंगे। इसका पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो चलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम पहले आइडेंटिफिकेशन लिख लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन देखिए क्या होता है, ता था, ती थी, ते थे, या ई ए, इस तरह से ये हो गए आइडेंटिफिकेशन। यानी कि किसी भी शब्द के लास्ट में ता था, ती थी, ते थे, या ई, ये सब आए तो वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। ये हो गया इसकी पहचान। अब हम जानेंगे इसका सबसे पहला अफर्मेटिव, यानी कि पॉजिटिव, सिंपल टेंस जिसको बोलेंगे, पास्ट टेंस के ही सिंपल टेंस, यानी कि सिंपल इस अफर्मेटिव जो है पॉजिटिव होगा किसका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव का रूल क्या होता है, सबसे पहले हमें इसका रूल जानना है। तो इसका रूल देखिए क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट, ये किसका होता है, अफर्मेटिव का। सेकंड हो जाता है आपका नेगेटिव, नेगेटिव में इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज आपने नोटिस किया, पहले वाले में वी टू था, दूसरे वाले में वी वन है ना, ये चेंजेस आ गए इसमें। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो अफर्मेटिव के रूल होते हैं, पॉजिटिव में हम वी टू का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम नेगेटिव में जाते हैं तो हम वी वन का इस्तेमाल करते हैं। अब मान लीजिए इंट्रोगेटिव, इसके बाद आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का क्या हो जाएगा, यहाँ डिड बाद में आया, यहाँ पे डिड पहले आ जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन, इसका भी वी वन ही होगा, यानी कि सिर्फ एक ही का चेंज होगा, किसका चेंज होगा, अफर्मेटिव का। फिर हम आते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि नहीं के साथ, तो यहाँ पे भी सेम ही होगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव में हमेशा क्वेश्चन मार्क का निशान हो जाता है। ये हो गया आपका। अब हम चलेंगे डब्ल्यू एच क्वेश्चन। डब्ल्यू एच क्वेश्चन के बारे में क्या होता है कि सबसे पहले हमारा आता है डब्ल्यू एच, तो हमारा सबसे पहले डब्ल्यू एच क्वेश्चन हो जाएगा, उसके बाद हमारा हो जाएगा डिड, फिर हमारा सब्जेक्ट, और फिर हमारा वी वन, सेम है, सब में वी वन ही आ रहा है इसका मतलब, उसके बाद क्वेश्चन मार्क ब्रैकेट क्लोज, फिर है हमारा डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस नेगेटिव। डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस नेगेटिव इसमें भी नहीं, यानी कि डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट सब सेम होगा, बस यहाँ पे एक नॉट लग जाएगा, फिर हमारा वी वन, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया। चलिए एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा एग्जांपल, एग्जांपल मान लीजिए एक हमने मान लीजिए लिया अफर्मेटिव में देखते हैं। चलिए, उसने मुझे पीटा, उसने मुझे पीटा, ये आ गया, पीटा आया, तो इसका हमें क्या करेंगे, उसने का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। पीटना का क्या होता है, बिट होता है, तो वी टू में भी हमारा बिट ही होगा, ही बिट, मुझे का क्या हो जाएगा, मी,
यानी कि इसका आंसर होगा उसने मुझे पीटा, ही बिट मी। लेकिन अब इस पे हम ये नहीं बता सकते उसने मुझे नहीं पीटा, क्योंकि यहाँ पे हमारा टीम में वी टू का इस्तेमाल किया गया, बाकी सब में वी वन का, तो ये हम नहीं कर सकते उसने मुझे नहीं पीटा। अब हम नेगेटिव के लिए अलग से करते हैं, बाकी सब सिमिलर रहेंगे। तो देखिए हमने ये नेगेटिव मान लीजिए हमने किया, तुमने ताजमहल नहीं देखा, तुमने ताजमहल नहीं देखा, तुमने ताजमहल नहीं देखा, तो इसका क्या हो जाएगा, तुमने का हो जाएगा यू। उसके बाद क्या है नेगेटिव में, देखिए डिड नॉट है, तो यहाँ पे लगेगा यू डिड नॉट, फिर है आपका वी वन और ऑब्जेक्ट, तो वी वन यानी वर्ब का, तो देखना का क्या हो जाता है, सी हो जाता है, तो यहाँ पे भी वी वन में हमारा सी ही होगा, पहला फॉर्म यूज करना है सी, सी यू डिड नॉट सी द ताजमहल होगा, क्योंकि ताजमहल एक ही है इसलिए द ताजमहल, यू डिड नॉट सी द ताजमहल। अब अगर होगा कि अब हमने इंट्रोगेटिव में किया, क्या तुमने ताजमहल देखा है, तो क्या हो जाएगा डिड, पहले हमारा डिड होगा, उसके बाद क्या है हमारा सब्जेक्ट है, तो डिड यू सी द ताजमहल, ये हो जाएगा। और नॉट में हम डिड यू नॉट सी द ताजमहल, फिर डब्ल्यू एच जैसे मान लीजिए हमने किया, क्या तुमने ताजमहल देखा है, क्या तुमने ताजमहल देखा है, नहीं होगा देखा, क्या तुमने ताजमहल देखा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले हमारा डिड हो जाएगा कि इंट्रोगेटिव का रूल में हमारा डिड बोल रहा है सबसे पहले, तो डिड, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट हमारा क्या यू है, तो डिड यू सी द ताजमहल, ये हो जाएगा डिड यू सी द ताजमहल, ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अगर यही चीज रहता, मान लीजिए कि क्या तुमने ताजमहल नहीं देखा, तो डिड यू नॉट सी द ताजमहल, ऐसे हो जाएगा। सो इस तरह से हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को भी किया रूल एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में, अगर अच्छे से समझ में प्लीज़ एक लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।